हेलो बच्चों, चौहानी एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विषय गणित कक्षा 4 के अंतर्गत पाठ 10 पैटर्न की पहचान करेंगे। आइए, अगर आपके द्वारा हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहेगी एवं वीडियो को शेयर एवं लाइक करें। आइए हम पैटर्न को देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 1, निम्न अक्षर पैटर्न को एक पद तक आगे बढ़ाएं। ए बी सी डी ई एफ, हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो हल में आ जाएगा ए बी सी डी ई एफ जी एच। इस प्रकार पैटर्न को आगे बढ़ा देंगे। प्रश्न क्रमांक 2 देखेंगे। निम्नलिखित पैटर्न को आगे बढ़ाकर पूर्ण कीजिए। तो पैटर्न देखिए बच्चों, ए बी सी डी एफ जी एच आई, यहाँ पर आ जाएगा ब्लैंक में जे के एल। इस प्रकार ये पैटर्न पूरा हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न क्रमांक 3 देखेंगे। निम्न पैटर्न को पूर्ण कीजिए। तो देखिए आप यहाँ इस बॉक्स में ये पैटर्न जो बना है, ऐसे ही पैटर्न हमको इसमें ये तीन बॉक्स में बनाना है। तो देखिए आप जैसा यहाँ पर बना है वैसा हम यहाँ बना लेंगे, तो ये पैटर्न पूरा हो जाएगा। अगला देखेंगे हम बच्चों, प्रश्न क्रमांक 4, निम्न पैटर्न को पूर्ण कीजिए। यहाँ पर हम पैटर्न देखेंगे, यहाँ पर एक त्रिभुज बना है, उसमें आयत बना है, फिर त्रिभुज आयत बना है, फिर त्रिभुज बना है। इस प्रकार ये पैटर्न को हम यहाँ पर बना लेंगे। जैसे ये बने हैं वैसे हम यहाँ बना लेंगे। अगला पूरा करना है तो इस प्रकार से ये पूरा हो जाएगा। आगे देखेंगे प्रश्न क्रमांक 5, आ जोड़ के निम्न पैटर्न को आगे बढ़ाकर लिखिए। जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पर 1 + 2 + 3 = 6 होते हैं। यहाँ पर देखेंगे 2 + 3 + 4 = 9 होते हैं। तो यहाँ क्या आएगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3 + 4 + 5 = 12। पैटर्न को हमको आगे बढ़ाना था तो इस प्रकार हम इसको लिख देंगे। आगे देखेंगे प्रश्न है बा, इसका तो बा है 420 470 520 को 3 पदों तक आगे बढ़ाकर पूरा कीजिए। देखिए आप यहाँ पर 420 470 और 520 ये दिया हुआ है, इसको आगे हम 3 पदों तक बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर 570 620 और 670 ये 3 पद हमने आगे बढ़ा दिए। इस प्रकार आप देखेंगे अगला प्रश्न 6 है, आ 99 + 91 = 83 को 3 पदों तक आगे बढ़ाकर पूर्ण कीजिए। तो हम देखेंगे यहाँ पर 99 + 91 = 83 को 3 पदों तक आगे बढ़ाएंगे तो 75 67 और 59 ये 3 पद हमारे यहाँ पर आ जाएंगे। बा में देखेंगे हम निम्न को 3 पदों तक आगे बढ़ाकर पूर्ण कीजिए। अब देखिए आप यहाँ पर 1 बिंदु है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर क्या आएगा। तो देखिए आप यहाँ पर आएगा 1 के बाद यहाँ पर 2 बिंदु है, फिर यहाँ 3 बिंदु, तो ये 1 के बाद 2 और ये 3 बिंदु। इस प्रकार ये पैटर्न पूरा हो जाएगा। आगे देखेंगे प्रश्न क्रमांक 7, आ में निम्न सूची को अक्षरों और संख्याओं की मदद से जंप को कैसे लिखेंगे। देखेंगे हम यहाँ पर ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, तो यहाँ पर हम देखेंगे कैसे लिखेंगे। ए में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। यहाँ पर आप देखेंगे एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, तो 14 15 16 17 18 19 20 20 21 22 23 24 25 26, ये पूरे इंग्लिश के पूरे 26 अक्षर। हम इसे हम हल कैसे करेंगे देखें बच्चों। आ में हम जंप लिखेंगे 10 21 13 और 16। बा में लिखेंगे गुड मॉर्निंग, तो गुड मॉर्निंग में 7 15 15 4 13 15 18 14 9 14 7, इस प्रकार से हम इसका लिख देंगे। बा में देखेंगे मीना अपनी सहेली को गुड मॉर्निंग लिख कर देना चाहती है, और आ में क्या है, आ के नियम को मानते हुए उसे क्या लिखना होगा। तो हम देखेंगे बा में गुड मॉर्निंग में जो नियम था हमारा 7 15 15 4 13 15 18 14 9 14 और 7, इस प्रकार से हम इसको
लिख देंगे। अगला प्रश्न है बच्चों, देखिए उदाहरण में दिए गए नियम के अनुसार संख्या मीनार को पूरा कीजिए। ये संख्या मीनार जो बनी हुई है 10, 30, 80, फिर 50, 30 और 20, ऐसे हमें एक मीनार बनाना है, इसको पूरा करना, बनी हुई मीनार को पूरा करना है। तो यहाँ 100, 60, 50, 10, 30 और 40, इस प्रकार से ये मीनार पूरी हो जाती है। अगला हम देखेंगे वह है संख्याएं 1 से 50 तक के एक पैटर्न खुद बनाइए। तो हम देखेंगे 1 से 50 तक की खुद पैटर्न जो है 3, 8, 13, 15, 23, 28, 33, 38, 43 और 4 और 8, ये पैटर्न तैयार हो गया। अगला प्रश्न देखेंगे बच्चों, 9, निम्न जादुई वर्ग में 1 से 9 तक की संख्याओं का प्रयोग कर इस प्रकार करें कि हर लाइन में संख्याओं का जोड़ 15 आ जाए। हमें किसी भी ये जो है वर्ग पहली इसको भरना है और हर तरफ के जोड़ में हमें 15 का योग करना है। हम यहाँ पर देखेंगे 2, 7 और 6, 7 और 2, 9, 9 और 6, 15। अब यहाँ देखेंगे 2 और 9, 11 और 4, 15। यहाँ देखेंगे हम 4 और 3, 7 और 8, 15। यहाँ देखेंगे 9 और 5, 14 और 1, 15। इस प्रकार ये हमारा ये वर्ग पहली तैयार हो जाती है। अगला हम देखेंगे प्रश्न 10, निम्न संख्या के मीनार को पूर्ण कीजिए। अब ये संख्या के मीनार है, इसको पूर्ण करना है। तो यहाँ देखेंगे हम खाली जगह में 60, 29, 15 और 7, यहाँ 8 आ जाएगा, 8, 6, 11, यहाँ 31, 60 के बाद 31, 17, यहाँ 15, 14, 17, इस प्रकार से ये मीनार पूरी हो जाती है। तो इसी प्रकार के वीडियो में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।